नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। खोए हुए 51 मोबाइल पुलिस ने लोगों को सौंपा, लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कान। यूपी के कौशाम्बी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के लोगों के खोए और चोरी हुए मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लोगों को सौंपा है। पुलिस ने 51 ऐसे मोबाइल लोगों को बुलाकर उन्हें सौंपे हैं। SP राधेश्याम विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता में लोगों को बुला करके उन्हें उनका मोबाइल सौंपा, जिनके मोबाइल खोए हुए थे। मोबाइल पास पाकर के उनके चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे थे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। देखिए, कुल 51 मोबाइल जो है विभिन्न व्यक्तियों के जो किसी वजह से गुम हुए थे, किसी का कार्यालय से हुआ था, किसी का रास्ते से हुआ था, किसी का घर से हुआ था, किसी का उसकी स्कूटी से हुआ था, तो वो मिलाकर के 51 मोबाइल्स जिसकी लगभग कीमत जो है 6,45,000 है। हमारे सरिलास टीम के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं और हमारे क्षेत्राधिकारी मंजनपुर एडिशन SP के निर्देशन में उन्होंने प्रयास करके अपनी मोबाइल की संख्या बरामद किए और उनके उपभोक्ताओं को जो मिला करके हाथ दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यदि ये बरामद नहीं होती तो इसका दुरुपयोग हो सकता था, और दुरुपयोग होने से उपभोक्ता जो है डबल जो है मार खाते, एक तो उनकी मोबाइल जाती, दूसरी जो है किसी क्राइम की शिकार हो जाती। क्या चोरी किए गए जिन लोगों ने चोरी किया था उसमें किसी आरोपी में गिरफ्तारी हुई? नहीं, चोरी वाली बात नहीं आई, जितने हैं गुम हुए थे। गुम हुए कि मतलब किसी जो रास्ते में जा रहे थे, किसी के जेब से गिर गए, किसी के ऑफिस से जो है मेज पर रखा था वहाँ से गुम हो गया। किसी आपके लिस्ट में जो 28 नंबर पर राजेश है, उसका आरोप ये है कि वो जब कोसा जा रहा था तब उससे मोबाइल छीनती कर दी। अब मेरे संज्ञान में ऐसा किसी ने लाया नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में यही है कि जो मैंने पूछताछ किया, जो उपस्थित थे यहाँ उन लोगों ने यही बताया। कुछ तो हमारे वकील साहब थे, कुछ हमारे ऑफिस के थे, एक हमारे ही ऑफिस था, कुछ DM साहब के ऑफिस थे, कुछ बच्चे थे, बच्चियाँ थी स्कूल की थी, कुछ महिलाएं थी, सभी ने यही बताया कि उनका जो है कहीं ना कहीं गुम हो गया था, या घर से या दुकान से या रास्ते से या किसी के डिग्गी में था वहाँ से गुम हो गया था। तो इस तरह की बात जो है आई है, और किसी की छिनैती वाली बात कि उनसे छीना गया, इसी बात प्रकाश में नहीं आया।